हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। प्रोसेस रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, जेएनएम सेकेंड स्टूडेंट के लिए और साइकेट्रिक से। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम लिखेंगे, जो भी एज लिखेंगे उसका, सेक्स क्या है वो लिखेंगे, फादर्स जो भी नाम होगा फादर्स का वो लिखेंगे, एड्रेस कहाँ से रहने वाली वो आपको लिखना है, एजुकेशन कितने क्लास तक पढ़ा हुआ है या फिर ऑक्यूपेशन लिखेंगे, फैमिली इनकम लिखेंगे कितना है, मैरिड स्टेटस मैरिड है, रिलीजन लिखेंगे जो भी है, इन्फॉर्मेंट कौन साथ में आया था, मदर फादर जो भी आया था लिखना है, इन्फॉर्मेंट रेलिवेंट बट इन्फॉर्मेशन जो थी वो कैसी थी, रेलिवेंट थी या एडिक्वेट थी जो भी वो लिखना है आपको, डेट ऑफ एडमिशन कितनी डेट को आई थी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद डायग्नोसिस है। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में जैसे भरा है, नेम है पारिस है, एज 29 ईयर्स है, मेल है, अब उसके फादर्स का नाम लिखा है रोहित, और एड्रेस लिखा हुआ है जो भी है, 12th स्टैंडर्ड पास किया, हाउस वाइफ है, 5th मंथ इतनी सैलरी है उसके हस्बैंड की, मैरिड हिंदू है, मदर आई थी साथ में, रेलिवेंट है बट एडिक्यूट है, डेट ऑफ एडमिशन लिखा है, रिलीजन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, डायग्नोसिस में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग से। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग में बच्चों ऐसे होगा, पार्टिसिपेंट्स में नर्स और क्लाइंट होंगे, कम्युनिकेशन करेंगे वर्बली या नॉन वर्बली दोनों तरीके से, टेक्निक कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो लोग वो यहाँ पे लिखेंगे, इन्फ्रेंस में क्या आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो नर्स होगी वो क्वेश्चन करेगी पेशेंट से, पूछेगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हाय भूमिका, कोई भी पेशेंट का नाम, जो भी आपके पेशेंट का नाम वो आप यहाँ पे लिखेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग करेगी और कहेगी हाउ आर यू और स्माइल के देगी। तो जो पेशेंट होगा ये जो टेक्निक है वो ग्रीटिंग है, मतलब वो नमस्ते गुड मॉर्निंग एक तरह का ग्रीटिंग होता है, तो वो यहाँ पे ग्रीटिंग टेक्निक है। इन्फ्रेंस में पॉजिटिव रीइन्फोर्स मतलब पॉजिटिव है, गुड मॉर्निंग कर रही है। उसके बाद क्लाइंट जो है वो आप यहाँ पे हाँ या फिर ना को क्वेश्चन देगा, हाँ करेगा या फिर ना करेगा या फिर स्माइल देगा या फिर अपना सिर्फ सिर हिलाएगा, जो भी वो कर रहा है वो आपको बोलना है, वो जो पेशेंट होगा बेड में बैठा रहेगा। फिर जो नर्स होगी फिर उसके बाद पूछेगी हाउ आर यू, हैव यू टेकन मेडिसिन टुडे, से पूछेगी आपने दवाई लिया, तो ये क्या टेक्निक कौन सी क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही, तो यहाँ क्वेश्चनिंग होगा। उसके बाद इन्फ्रेंस में गिविंग स्पेसिफिक क्लियर इन्फॉर्मेशन, गेटिंग इसलिए वो पूछ रही ताकि उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्लाइंट जो है वो अगर किया होगा तो यस बोलेगा, नहीं किया होगा तो नो बोलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नर्स जो होगी वो फिर से क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट डिड यू हैव इन डिनर यस्टरडे, तुमने डिनर में क्या लिया था, तो ये क्वेश्चन हो गया। गेटिंग किस लिए कर रही है, इन्फॉर्मेशन के लिए कर रही है। क्लाइंट जो भी आपका क्लाइंट, जिसमें आई हैड टेकन भात, उसने बोला कि मैंने भात खाया, लेकिन जो आपका पेशेंट जो लिखा होगा खाया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाया उसने, समोसे जो भी खाया वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नर्स जो होगी वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, वेयर डू यू लिव एंड वेयर इट इज, मतलब पूछेगी तुम कहाँ पर हो इस टाइम पे, उससे पूछेगी एक्सप्लोरिंग मतलब एक्सप्लोर टेक्निक की एक्सप्लोरिंग, क्योंकि वो देख रही है कि उसको कुछ भी रिकॉग्नाइज है कि नहीं, ट्राइंग टू नो हर आइडियाज, इसलिए वो पूछ रही है इन्फ्रेंस में, किस लिए पूछ रही है, ताकि उसको पता करना है कि उसको कुछ आइडिया वगैरह है कि नहीं कि वो कहाँ पर है। क्लाइंट अगर उसने बताया कि या अगर उसने बोल दिया हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, अगर उसने बोला कि आई डोंट नो वेयर इट इज, मतलब उसने बोला कि हमको नहीं, वेयर डू यू लिव में अगर उसने बोला कि हॉस्पिटल में एंड वेयर इट इज़, मतलब उस पूछे कि ये कहाँ पे हॉस्पिटल है, अगर वो बताता है दोनों चीज़ तो वो लिखना है, अगर नहीं बताता है तो आपको लिखना है वो बोलेगा आई डोंट नो वेयर इट इज़, वो बताएगा कि वो नहीं पता है, गेट इरीटेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नर्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, डू यू नो वेयर आर यू एंड वाई डिड यू कम हेयर, उसे पूछे कि तुमको पता है कि तुम कहाँ पर हो और क्यों आए हो, ये क्वेश्चन है, किस लिए पूछ रही है, उसको जो पेशेंट है उसको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेटिंग टू नो हर डिजायर्स, क्यों उसको मोटिवेट कर रही ताकि उसकी डिजायर्स वगैरह पता लग सके। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइंट, यस आई एम इन हॉस्पिटल बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्लाइंट बताएगा कि हाँ कि हम किस लिए हॉस्पिटल आए हैं और क्यों आए हैं, वो बताता है तो लिखना, नहीं बताता है तो लिखना है पेशेंट इज नॉट एंसर्ड, या फिर वो कुछ वो बोलेगा ही कि आई डोंट नो, या फिर उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उससे पूछा जा रहा है, या फिर आई डोंट नो कुछ भी वो बोल रहा, अगर नहीं बताता है तो आई डोंट नो जो भी वो बोलता है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद नर्स, व्हाट डू यू डू, मतलब तुम क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तो वो बताएगा, एक्सप्लोर हो रहा है पता करने, ट्राइंग टू नो हर आइडियाज, आइडिया पता करने के लिए ये भी एक्सप्लोरिंग है। क्लाइंट आई एम हाउसवाइफ, अगर वो गर्ल्स है तो जो भी वो करती है वो बताएगी।
उसके बाद नर्स कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर मैरिज लाइफ, उसे पूछेंगे कि आप हमें बताओगे कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, ब्रॉड ओपनिंग मतलब बहुत ज़्यादा ओपनली पता करने के लिए, किस लिए, टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हर पास्ट टाइम, इसलिए पूछ रही ताकि हम लोग उस जो पेशेंट है उसको उसके पास्ट के बारे में अच्छे से पता चल सके। क्लाइंट व्हेन आई कम 20 ईयर देन आई गॉट मैरिड, वो बताएगी जैसे यहाँ पे पेशेंट ने बताया कि आपका पेशेंट जो होगा वो आपका पेशेंट बताएगी वो कितने साल में उसने मैरिड शादी की है। उसके बाद नेक्स्ट है नर्स पूछेगी कैन यू टेल मोर अबाउट योर रिलीजन बिलीफ, उसे पूछेगी कि आप हमें बताएंगे कि आप अपने रिलीजन में कितना विश्वास करती हैं। रिफ्लेक्टिंग, ये एक रिफ्लेक्टिंग टेक्निक है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन, किस लिए कर रही नर्स, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्लाइंट आई वर्शिप आई भोलेनाथ डेली एट एवरी मॉर्निंग, वो बताएगी कि हाँ मैं पूजा करती हूँ भोलेनाथ को, पूछती हूँ दुर्गा मैया को, पूछती हूँ जिसका जो भी है वो क्वेश्चन बताएगी वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी डू यू वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग एज अबाउट मी, यू आर फ्री टू डिस्कस विद मी, उससे वो बोलेगी कि अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं अबाउट मेरे बारे में, अपने बारे में, या फिर तो आप फ्री हैं, आप डिस्कस कर सकती हैं मुझसे। किस लिए ये पूछेंगे, टाइप कौन सा है, क्लेरिफाइंग करने के लिए, किस लिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द क्लाइंट ओपन हर फीलिंग, इसलिए इन्फ्रेंस में क्या आएगा कि उसको अपॉर्चुनिटी देने ताकि वो ओपनली हर अपनी फीलिंग्स को बता सके। क्लाइंट नो आई डोंट वॉन्ट, अगर उसको होगा तो वो पूछेगा, अगर वो नहीं पूछ रहा है तो वो साथ मना कर देगा, या फिर अगर पूछना चाहेगा तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर एज, पूछेगी तुम्हारी एज कितनी है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। क्लेरिफाइंग हर हिज डाउट, ताकि पता चल सके कि उस वो जो भी बता रही है वो सही बता रही है कि नहीं। क्लाइंट इट इज़ अबाउट 24 to 26 ईयर्स, इसमें उसने 24 to 26 ईयर्स बताया है। आपका पेशेंट जो बताएगा आपको उतना ही एज लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट नर्स क्वेश्चन है डू यू वॉन्ट टू टेक स्लीप, उसे पूछना है आप क्या सोना चाहती हैं। शेयरिंग परसेप्शन, ताकि हम लोग ये टाइप्स कौन सा है, परसेप्शन को शेयर करने के, ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्लाइंट नो, अगर वो बोलता है नो, अगर आपका पेशेंट बोलता है तो आपको यहाँ पे एस लिखना है। उसके बाद नर्स बोली ओके, जो पेशेंट का नाम होगा आपको, ओके भूमिका यू टेक रेस्ट एंड कीप टेकिंग योर मेडिसिन एंड टेक केयर, उसे बोलेगी ठीक है आप रेस्ट करो, टेकिंग योर मेडिसिन, आप अपनी टाइम दवा लेते रहना और अपने आप टेक केयर मतलब आप अपना देखभाल करो। सजेस्टिंग टाइप्स कौन सा, सजेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस द क्लाइंट टू टेक रेस्ट, किस लिए, पेशेंट को एडवाइस करने के लिए। जो क्लाइंट होगा यस बोलेगा, नो बोलेगा या फिर बाय बोलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेन्यू कहाँ पे, फीमेल जनरल वार्ड हमने लिखा है, आपका जो वार्ड है आपको यहाँ पे लिखना है। ड्यूरेशन 20 मिनट्स का ही होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 20 मिनट्स लिखना है। नोट ड्यूरिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग आई फाउंड दैट माई पेटेंट इज काम बाय नेचर, सी हैज़ बीन एंग्री सम टाइम विदाउट अ पर्टिकुलर रीजन, लुकिंग डिप्रेस, तो जैसा जो भी नोट मतलब एक तरह का इम्प्रेशन लिखना है कि जो ड्यूरिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो पेशेंट था वो काफ़ी काम था, नेचर उसका बहुत थोड़ा एंग्री टाइप का था, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा रीजन के क्या हो रहा था, डिप्रेस दिख रहा था। आपका जो पेशेंट जो जैसा दिखेगा आपको वैसा लिखना है। तो बच्चों ये था प्रोसेस रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।